पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आजकल भाजपा का युवा मोर्चा सुर्खियों में खूब छाया हुआ है। ऐसे में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान और भी ज्यादा सुर्खियों भरा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भाजपा युवा मोर्चे के द्वारा भाजपा कार्यालय पर दिए गए धरने प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि कोई बात नहीं, युवा शक्ति का तो काम ही यही है, आक्रोश में रहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, युवाओं का काम यही होता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद एक बार फिर भाजपा के नेताओं का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा महिला महासम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता पहुंची थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में मीडिया से बात करते हुए वो ये भूल गई कि वो बोल क्या रही है और उत्साह में उनकी जुबान ही फिसल गई। उनसे जब ये पूछा गया कि मुरादाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा उत्साहित होते हुए बोली कि युवा मोर्चे का काम यही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब ऐसे में यदि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसे बयान देंगी जहां भी भाजपा नेताओं का शोषण हो रहा है, उनके द्वारा इस तरह के विरोध प्रदर्शन अपनी ही पार्टी के खिलाफ करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और वो जायज होगा। आज देखिए, अब यहाँ पूरी मातृशक्ति जिस तरह से इकट्ठी हुई, आदि आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी समय और महिला सम्मेलन हर जगह किए जा रहे हैं। आज ही मुरादाबाद जिले का महिला सम्मेलन है। आज मैं अपनी बहनों से मिलने, उनसे बात करने और जिस तरह से, जिस कर्मठता से, मजबूती से ये हमारा महिला मोर्चा काम करता है, घर घर में जाकर चूने चौके तक पहुंचकर हर एक, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं चाहे राज्य सरकार की योजनाओं, उनको नीचे तक पहुंचाने का बड़ी मुस्तैदी से अगर कोई काम करता है तो ये हरावल दस्ता जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे के रूप में आदि आबादी ये काम करती है। आज अपनी उन बहनों के साथ में बात करने, वार्तालाप करने, संवाद करने के लिए मैं आई हूं। निसंदेह चुनावी समय, चुनावी तैयारी के लिए हम सारे लोग एकत्रित हुए और ये यहां से संकल्पित होकर हम लोग जाएंगे कि हमें उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में कमल का फूल खिलाना है। अब की बार 300 पार की बात हमें कर योगी जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचानी है, इसी के लिए हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। भाजपा में आकर क्या वजह है जो इस्तीफा देकर जा रहे हैं जी? कौन भाजपा के लोग हैं जो इस्तीफा दे? मुझे अभी जानकारी नहीं, उस विषय की जानकारी होगी तो मैं जरूर दूंगी। और परिवार है, हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, मुद्दा है ही नहीं हमारे यहाँ कोई ये सब चीजें। कार्यालय पर काफी देर तक जो मोर्चा जो है धरना प्रदर्शन, कोई बात नहीं, युवा शक्ति है, कभी कभी जोश आ जाता है, सब अपने घर के बच्चे हैं, अभी अपने घर में परिवार में भी तो यंग लड़की कुछ करते हैं, सब घर की बात है, हमारे परिवार तक सीमित रहते हैं सब चीजें। गलत है, अरे छोटी मोटी मुझे जानकारी नहीं वरना मैं अवश्य बोलती, लेकिन छोटी मोटी चीजें युवा मोर्चे का काम ही है, आक्रोश में रहना, जोश में रहना, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, वो हमारे अपने घर के भाई हैं, छोटे भाई हैं, प्यारे भाई हैं, कुछ भी बाहर तक की बात ही नहीं रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।